और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पीडीएस प्रणाली के हितग्राहियों से चर्चा कर रहे हैं। थे लेकिन उनको राशन नहीं मिलता था। जगह जगह हम जाते थे तो आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, हमें राशन नहीं मिल रहा, राशन कार्ड बनवा दो। अब बीच में तो हम मुख्यमंत्री रहे नहीं थे, सवा साल दूसरी सरकार आ गई थी, लेकिन इस बार बनते ही हमने तय किया कि वो गरीब भाई और बहन मेरे जिनको राशन नहीं मिल रहा, पात्रता पर्ची नहीं बनी और जो दरखास्त लेके भटक रहता रहता है, कोई भी नेता आया और लेके दरखास्त पहुंचे लाओ राशन, गरीबी रेखा में नाम जोड़ो, गरीबी रेखा में नाम जोड़ो, गरीबी रेखा में नाम जोड़ो। हमने तय किया इनकी परेशानी दूर करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे इन गरीब भाई और बहनों को, इनके परिवार के सदस्य को एक रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक मिलने लगे। और आज वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे परिवार हमने पूरी सूची निकाली तो उनकी संख्या है 37 लाख। अब ये 37 लाख भाई और बहन, जिनमें से लगभग 5 लाख बाद में आए कोरोना बीमारी के कारण बाहर से लौट गए, उनको भी हमने निःशुल्क राशन देना प्रारंभ किया था कोरोना के संकट में। ये छूटे हुए भाई बहन जिनको एक नियम के कारण, क्योंकि गरीब परिवारों की उच्चतम सीमा तय थी कि इससे ज्यादा परिवारों को नहीं देंगे, परिवार बढ़ गए तो किसी का क्या कसूर भाई, अगर वो गरीब है और पात्रता में आ रहा तो उसको मिलना चाहिए राशन। अब उन सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत एक रुपया किलो गेहूं, चावल, एक रुपया किलो नमक, 1.5 लीटर केरोसिन, ये देना शुरू किया जाएगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर के दिन हर जिले में कार्यक्रम करेंगे, कहीं मैं जाऊंगा, कहीं मेरे मंत्री जाएंगे, कहीं सांसद जाएंगे, कुछ जगह हम केंद्रीय मंत्री भी लाएंगे और एक साथ 52 जिलों में राशन वितरण का काम प्रारंभ किया जाएगा। 1 सितंबर आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, कई वर्षों की मांग आपकी पूरी होगी। अब इसमें 32 लाख हितग्राही तो जो पहले से मध्य प्रदेश में रह रहे थे अलग अलग जिलों के वो है, 5 लाख और जो छूट गए थे या वापस आए हैं उनके नाम हमने सम्मिलित किए हैं। मुझे बताती हुई खुशी है कि 15 अगस्त 2020 तक 18,30,000 लोगों की पात्रता पर्ची जारी
जारी हो जाएगी और 31 अगस्त तक जो बचे 18,56,000 हैं उनका भी नाम सूची में जोड़ के पात्रता पर्ची जारी कर दी जाएगी। सारे कलेक्टर्स को हम निर्देश दे रहे हैं कि 31 अगस्त तक हर हालत में पात्रता पर्ची जारी करने का काम हो जाना चाहिए। अच्छा, जो नवीन पात्रता पर्ची धारी है उनको 5 किलोग्राम खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल प्रति सदस्य ₹1 की दर से अनाज दिया जाएगा, खाद्यान्न दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ 5 किलो और नवंबर के महीना तक 5 किलो निशुल्क और राशन दिया जाएगा। ये गेहूं या चावल, इसका मतलब नवंबर तक 10 किलो प्रति व्यक्ति सदस्य अनाज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 5 सदस्य हैं तो 50 किलो अनाज सीधे घर में आएगा, प्रति परिवार 1 किलोग्राम नमक आएगा, 1.5 लीटर केरोसिन आएगा, जो कलेक्टर दर निर्धारित होती है उस दर पर। अब आप अंदाज लगाएं कि 50 किलो अनाज अगर घर में आ गया तो फिर अनाज खरीदने के लिए तो आपको पैसे नहीं खर्चा करने पड़ेंगे, और जीने की सबसे पहली जरूरत है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। सबसे पहले रोटी चाहिए, और इस रोटी पर आपका हक है, गरीबों का हक है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं सबसे पहले सरकार गरीबों के लिए होती है। मैं, मेरी टीम, मेरी सरकार सबसे पहले आपके लिए है। एक नहीं, कई योजनाएं और चल रही है। ये राशन तो देंगे, संबल योजना में शामिल कर रहे हैं। संबल योजना गरीबों की ताकत है, बल है, उसमें कई सुविधाएं आपको, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 रुपया, सस्ती बिजली, बेटियों की शादी, बीमार हो जाए तो इलाज, एक्सीडेंट पे मौत हो जाए तो 4,00,000, सामान्य मृत्यु पे 2,00,000, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब आप कल्पना करो, सस्ता राशन मिल गया और ये सुविधाएं मिल गई तो अपनी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, सुख से रह सकेंगे घर में। और आप सुख से रहे तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। इसलिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस राशन का उपयोग घर के लिए होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसी शिकायत भी आती थी कि राशन कार्ड ही धर दिया किसी के, और उसने 1 रुपया किलो गेहूं लिया और 20 रुपया किलो में बेच दिया। बहुत कम है लेकिन ऐसी घटनाएं है। केरोसिन बेच देते हैं सस्ता, ये आपके घर में उपयोग होना चाहिए, आपके लिए है। और इसलिए इस राशन का सदुपयोग हो ताकि हम भरपेट अनाज खाने के लिए प्राप्त करें,
और बाकी भी जो सुविधाएं उनका लाभ उठाए। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन योजना बनाई है, चूल्हे के बजाय गैस पर रोटी बने। जिनकी आवास कुटीरा नहीं बन रही है, बनी है, उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, जिसमें 40% पैसा हम देंगे, मध्यप्रदेश की सरकार। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये गरीब की जरूरत पूरी होनी चाहिए। उसे इन सुविधाओं का दुरुपयोग ना हो। ये सुविधा आपके परिवार के लिए उपयोग की जानी चाहिए। नवीन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची, एम राशन मित्र और ऐप पोर्टल पर आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हितग्राही स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकाल सकेंगे। और कोई प्रिंट नहीं निकाल पा रहा तो उनकी सुविधा के लिए विभागीय अमला रहेगा, वो भी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर स्थानीय निकाय के माध्यम से हितग्राही के घर पर उपलब्ध कराएगा। आपके घर पर्ची आएगी। अब इसमें कलेक्टर ये ध्यान रखें, सब यहां से भी मैं निर्देश भेजूंगा कि निकाय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, तो निकाय में अगर कोई गड़बड़ आदमी रहा तो वो पात्रता पर्ची के पैसा नहीं मांग ले गए। किसी को एक पाई नहीं देना है, गड़बड़ हो तो तुरंत शिकायत करना, होगी नहीं, कलेक्टर ध्यान रखेंगे, नहीं तो जिम्मेदारी उनकी होगी। ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम यहां से बहुत अच्छी योजना बनाते, कई बार ये परेशानी बीच में टपक जाती। इसलिए बिना किसी परेशानी के पात्रता पर्ची घर पहुंच जानी चाहिए, ये व्यवस्था कलेक्टर को अपनी टीम के माध्यम से करवानी है। और कुछ काम आपको भी करने, जिन हितग्राही का आधार सीडिंग नहीं हुआ वो अपने निकटतम राशन की दुकान पे जाके संपर्क करे और आधार सीडिंग की कार्रवाई जल्दी से जल्दी करवा ले। आधार सीडिंग के बिना राशन वितरण नहीं हो पाएगा, इसलिए प्राथमिकता के साथ करें। और कलेक्टर जिनकी भी ड्यूटी लगाएं, ये चिंता करें कि इसमें लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी नवीन हितग्राही के आधार सीडिंग का कार्य इसी महीने पूरा कर लें, ताकि इन सभी परिवारों को उचित मूल्य की दुकान से राशन का वितरण 1 सितंबर 2020 से किया जाए। अब इसमें एक सुविधा और है आपके पास। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में कहीं से भी आप राशन ले सकते हो। मान लीजिए आप कहीं मजदूरी करने चले गए, तो प्रदेश के अंदर अगर आप झाबुआ से, मंदसौर से, साजापुर से, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, देवास, बड़वानी से कहीं बाहर भी गए, तो जहां जाओगे उस राशन की दुकान से आपको राशन मिलेगा। और मान लीजिए राज्य के बाहर भी अगर दूसरे राज्य में चले गए मजदूरी करने, अच्छे काम मिल गया था वहां, तो उस राज्य से भी आपको राशन मिलेगा, नहीं तो उस राज्य में चले गए तो यहां राशन मिलता ही नहीं था। आप कहीं भी रहे राशन प्राप्त कर सकेंगे। याद रखें 1 तारीख के पहले यह कार्रवाई सब पूरी हो जाए, ताकि 1 तारीख का कार्यक्रम गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आए, आनंद लेकर आए। आप में से अगर कोई सड़क पर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर हो तो उनका भी काम चल रहा है, 10,000 रुपया उनको देना है बिना ब्याज के।
ताकि उनका काम धंधा भी चल सके। कई योजनाएं हैं आपके लिए, लेकिन सबसे खुशी की बात तो अब राशन मिलेगा सभी भाई और बहनों को। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इन निर्देशों के साथ कलेक्टर्स को कि जनता को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गरीब भाई बहनों को। और आपके जिले में जितने पात्र हितग्राही है, एक एक जिले में बड़ी संख्या है, हजारों नहीं, कुछ जिलों में तो लाखों में लोगों को, 2 लाख 1.5 लाख लोगों के नाम एक जिले में जोड़ने, इसलिए सबको पात्रता पर्ची जारी होके आधार सीडिंग हो जाए ताकि हम 1 सितंबर से सबको राशन दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा वाले नाम ये उज्जैन की बहन ममता भाई बैठी है क्या? नाम है मेरे पास यहीं पे, तो दिखाई देनी चाहिए ममता भाई। ये सूची हटा लो ना, अच्छा इसमें अलग नाम है, उसमें अलग नाम है क्या? ये अलग है क्या? जो है क्या ममता भाई बैठी हैं क्या? क्या नाम है आपका? क्या करते हो संजय? अभी तक राशन नहीं मिलता था, चलो अब आपको राशन मिलेगा 1 सितंबर से। और जितने मेरे भाई बहन बा बैठे हैं उज्जैन में, ये मनीष जोशी भी बैठे, जय श्री महाकाल उज्जैन वालों को। तो बाबा की कृपा हो रही है, 1 सितंबर से राशन मिलेगा। अभी आपकी पात्र हैं? अब वो तो हमने कोरोना के कारण दिया था, कोरोना के कारण दिया था हमने, कि हमने कहा भैया अब कोरोना में तो, मैं इनका कोरोना में तो भी नहीं, मार्च में मैं आया, अप्रैल में इनका सबको बांटो, कोरोना आ गया बेचारे कहां जाएंगे, है ना। लेकिन अब ये परमानेंट हो गया। अरे आपका भाई हूं, धन्यवाद की जरूरत नहीं, मामा को कोई धन्यवाद देता है क्या? तो आप सबको मिलेगा, खुश हो सब? बस हमारा तो जीवन का लक्ष्य है कि आप सुखी रहें, गरीब आदमी सुखी रहे, सुख से दोनों समय भोजन करें। तो सभी बहन और भाइयों को बहुत बधाई। अब उज्जैन जिले से चलते हैं देवास जिले में। आशीष ये सबको पात्रता पर्ची जारी हो जाए, आधार सीडिंग हो जाए, चिंता करना। शिवलाल मकवाना बैठे, क्या करते हो शिवलाल? कहाँ? देवास में ही? अब तक तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं था? हैं? साल भर से नहीं था, अब तुम्हारी पात्रता पर्ची बन जाएगी। और अभी तो तुम्हें नवंबर तक तो 10 किलो हर महीना एक सदस्य को मिलेगा। परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 है तो 70 किलो मिलेगा, और नवंबर के बाद फिर वो 35 किलो होगा। तो अब इतने में तो काम चल जाएगा अपना। भाई ये इतना मिलेगा, लेकिन बस इसका दुरुपयोग ना हो, भोजन में ही उपयोग होना चाहिए इसका। कृष्णा भाई बैठी, नमस्कार, क्या करते हैं कृष्णा भाई? अच्छा अच्छा
अभी तक राशन नहीं मिल रहा था अपन को। अच्छा अच्छा, अब चिंता नहीं बहन, अब पर्ची मिलेगी और हर महीने राशन मिलेगा, 1 सितंबर से चालू करेंगे अपन। आपको बहुत बधाई। अब बहन, अब तुम्हें राशन कार्ड मिल रहा है, पात्रता पर्ची मिल रही है, ये मिल गई अब। हाँ। अच्छा, कितने कितने सदस्य परिवार में? दो, माँ और बेटा। बेटा क्या करता है? ऐसे ही मजदूरी था। मजदूरी तो बेटा छोटे ही है, शादी वादी नहीं की अभी? शादी कर दी ना? हो, कर दी। तो फिर लाड़ी भी आ गई, तो दो का तीन हो गए ना? लाड़ी आ नहीं रही। अच्छा 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 अच्छा, बेटा मजदूरी करता है? हाँ, मजदूरी करता है, मैं भी काम करती हूँ, झाड़ू कचरा लोगों के घरे। अच्छा अच्छा, तब आपको तो शुरू हो गया राशन मिलना, अब लाड़ी को भी खबर भेज दो, तुम जाओगी तुम्हारे हिस्से का ही मिलेगा। ठीक है, अभी नवंबर तक तो 10 किलो मिलेगा एक व्यक्ति को, 2 है तो 20 किलो मिलेगा। अच्छा। है ना, और 5 किलो फ्री में मिलेगा और 5 किलो 1 रुपया किलो मिलेगा। अच्छा। ठीक है, और 1 किलो नमक मिलेगा। अच्छा। 1 रुपया में। ठीक, इतने से काम चल जाएगा? हो, चल जाएगा मेरा तो। छोटा सा तो परिवार है मेरा। अच्छा अच्छा, छोटा परिवार अच्छा ही है, बस लाड़ी आनी चाहिए। बहन जी का क्या नाम है जो बैठी है बगल में? फरीदा भी। हाँ, अब आपका भी अब तक राशन कार्ड नहीं था? तो अब ये मिल गया बहन, अब आपको 1 सितंबर से अगले महीने से हाँ राशन शुरू हो जाएगा। खुश हो? बहुत बहुत खुश हैं सर। ठीक है, हमेशा खुश रहो। आगर मालवा। लॉकडाउन में हमको 16 किलो गेहूं, 4 किलो चावल मिले थे। अब मैंने कहा लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, तो परमानेंट मिलना चाहिए कि नहीं? इसलिए अब ये तय कर दिया है कि क्या भैरूलाल नाम है आपका? हाँ, भैरूलाल चौहान। हाँ, तो चौहान साहब ये तय कर दिया आप के हर महीना मिलेगा। ये पर्ची बन गई आपकी पात्रता पर्ची? हाँ, पर्ची मिल गई सर। तब आपको राशन और नवंबर तक तो 10 किलो प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो निःशुल्क, 5 किलो 1 रुपया में, 1 रुपया किलो में। धन्यवाद। क्या कर रहे हो अभी? ना, नमस्ते नमस्ते बहन, कौन से गांव से हो? अच्छा, आगर प्रॉपर से हो हेमलता? हाँ। क्या करते हो बहन? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक पतिदेव क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, अभी तक राशन नहीं मिलता था? जी, मिला था। नहीं, अब वो तो लॉकडाउन में मिला होगा। हाँ। तो लॉकडाउन में तो हमने शुरू करवाया था कि अब कहाँ, सब काम इधर से ठप हो गया तो कहाँ जाए। हाँ। लेकिन अब आपकी पर्ची बन गई? जी, तो अब ये परमानेंट मिलेगा, जैसा मैंने बताया भैरूलाल को भी, जैसा मैंने बताया आपको भी मिलेगा। खुश रहें। बच्चे कितने हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों ही हैं, दो ही सदस्य। ठीक है, खुश रहो बेटा। नीमत जिला।
कैसी हो राजकुमार बहन? राजकुमार बहन ठीक है सर। ठीक हो? अभी तक आपकी पात्रता पर्ची नहीं बनी थी क्या? नहीं बनी थी सर। लेकिन लॉकडाउन में तो मिला था ना अनाज? खाली एक बार मिला सर, 10 बार गया मैं थी, खाली एक बार मिला अनाज बस। अच्छा, दिया कितनी बार अपने लॉकडाउन में? सर एक ही बार। कितना मिला था? हाँ। कितना मिला था? 18 किलो। कितने सदस्य हैं घर में? नो, तो अभी तक ये राशन कार्ड नहीं था आपके पास, पात्रता पर्ची? राशन कार्ड है सर। ये फिर नहीं, नहीं ये राशन कार्ड भी है। तो उसमें हर महीने मिलता था कि नहीं? नहीं मिलता सर। ये राशन कार्ड है फिर क्यों नहीं मिला इनको? राशन कार्ड गरीबी रेखा पर नहीं है, मिले। अच्छा, नाम कट गया था? ये जरा दिखवाए क्या बात है, नाम कट गया था क्या हो गया था? मुझे रिपोर्ट चाहिए इसकी। क्यों नहीं मिला ये एक बार समझना जरूरी है, और देख के यहाँ सीएमओ को रिपोर्ट करना, क्योंकि मेरे लिए समझना जरूरी है क्यों नहीं मिला। राशन कार्ड था, नाम कटा, कोई और बात हुई या कोई और ले गया? अच्छा, ये राशन कार्ड है क्या विधवा पेंशन? अरे करते क्या हो आप? मजदूरी वगैरह नहीं? दोनों बेटे मजदूरी करते। अच्छा, बेटे मजदूरी करते। तो अब आपको ये अनाज मिलना शुरू हो जाएगा एक तारीख से, ठीक? 1 सितंबर से चालू हो जाएगा। जितने सदस्य हैं उस हिसाब से 5 किलो, और नवंबर तक 5 किलो और निशुल्क मिलेगा। मानसिंह भी बैठे क्या? मानसिंह कहाँ के हो? अच्छा, एक ही परिवार से? अच्छा, तो अभी तक नाम नहीं था क्या? नहीं सर, नहीं। चलो अब जुड़ रहा है, 40 किलोग्राम मिलेगा आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस आप सुखी रहें। क्या करते हैं वैसे? खेती। कितनी है? 4 बीघा। ठीक, मंदसौर जिले में चलते हैं। मंदसौर, नमस्कार सर। प्रिया बहन, क्या करती हो प्रिया बहन? कुछ नहीं करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करती है, तो अभी तक आपके राशन कार्ड नहीं था क्या? नहीं सर, मेरे मतलब मेरी शादी हो चुकी और मेरे पति ने मुझे मतलब परित्याग कर रखा है, तो मैं 3 साल से अपने अलग ही रह रही हूँ माँ बाप के। अच्छा अच्छा, अच्छा, माँ बेटी दोनों हैं। हाँ। और माता पिता के पास ही रहते हैं? अच्छा अच्छा, तो बेटी अब आपको ये राशन मिलेगा। हाँ, सर। हर महीने 10 किलो है ना? हाँ, सर। अब आप खुश रहें, सुखी रहें। हाँ। बधाई आपको, है ना? और कौन है यहाँ? संपत भाई है सर। क्या हाल है संपत बहन? मजूरी करते हैं। अभी तक राशन नहीं मिलता था?
एक दान मिले हो अभी लॉकडाउन में जब ये कोरोना बीमारी हो गई थी तब तो, अच्छा अकेली है और भी कोई है परिवार में? और ये परिवार दो नाना है, उनको राशन मिलता है? अच्छा आपका नहीं था नाम? तो ठीक है आपको अब अभी तो इनको 10 किलोग्राम मिलेगा नवंबर तक जी सर। नवंबर तक 10 किलोग्राम मिलेगा और एक नमक का भी मिलेगा सर। 1 रुपया में 1 किलो इनको तो एक ही किलो मिलेगा ना नमक जी, जी। और केरोसिन मिलेगा। ठीक है ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको अब 1 तारीख से 1 सितंबर से। रतलाम वंदना जी बताए। नमस्ते वंदना। पर्ची बन गई पात्रता पर्ची? सर बन गई। क्या करते हो अभी आप? सर मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड स्टेशन पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा अभी तक राशन कार्ड की उसमें सूची में नहीं था आपका? नहीं था सर। आवेदन दिया था पहले कहीं? अच्छा अच्छा अब आपकी पर्ची बन गई और 1 तारीख से 1 सितंबर से कितने सदस्य परिवार में? 7 सदस्य 7 चार तो 4 के हिसाब से 5 को 20 किलो और 20 किलो निःशुल्क वाला भी 40 किलो मिलेगा इनको जी सर। ठीक है हाँ ठीक बस खुश रहो आपको बधाई। और कौन कौन है जरा नाम बता दें फटाफट। महेश का क्यों भैया? नमस्कार कहाँ से हो महेश जी? हाँ गांव कौन सा है प्रॉपर? अच्छा अच्छा धामनोद से। अभी तक राशन नहीं मिलता था? नहीं मिल रहा। तो क्या चालक परिचालक हो क्या है? सर गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो और परिवार में कितने सदस्य हैं भैया? 7 सदस्य। तो 7×5=35 किलो मिलेगा आपको और 35 किलो अभी निःशुल्क मिलेगा नवंबर तक। ठीक है तो परिवार की गाड़ी भोजन की तो चल जाएगी जी सर। और नमक भी साथ में मिलेगा 1 किलो और वो केरोसिन भी मिलेगा 1.5 लीटर। तो बस खुश रहें प्रसन्न रहें बधाई आपको। धन्यवाद। बधाई आपको। ठीक है बाकी सबको भी मिलेगा जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस आधार सीडिंग और पात्रता पर्ची बनने का काम सबका हो जाए। इंदौर जिला सर सीता भाई और ईसा भी हैं सर यहाँ पे। सीता भाई को दे दो। सीता भाई नमस्ते। नमस्कार। कहाँ इंदौर प्रॉपर से हो गांव से हो? इंदौर। अभी तक राशन नहीं मिलता था? हाँ नहीं मिलता था सर। तो अब आपकी पात्रता पर्ची बन गई अब 1 सितंबर से राशन मिलेगा आपको हैं? जी। और वो पेंशन मिलती है? जी मिलती है। टाइम पे मिल गई? हाँ। ठीक है तो पेंशन भी हो जाएगी और ये आपके परिवार में 5 सदस्य है तो 25 किलोग्राम तो इस योजना में मिलेगा और अभी 25 किलोग्राम नवंबर तक और मिलेगा कोरोना के कारण जो मिल रहा है तो 50 किलो मिलेगा नवंबर तक। 25 किलो परमानेंट मिलेगा जी। ठीक है खुश हो? खुश है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करूं बार बार। अच्छा लॉकडाउन में उसके कारण भी परेशानी हो गई होगी ना? हाँ, अब धीरे धीरे सब चीजें खोल रहे हैं हम। हमने कहा कोरोना भी चले और काम धंधा भी चले, नहीं तो मैं वैसे ही मर जाएंगे कोरोना के बिना। और ये राशन अब आपको मिलेगा परमानेंट। ठीक है जी, जी। रईसा भी
जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो बहन? जी अच्छी हूँ। अच्छी हो? अभी तक नहीं बना था राशन कार्ड? नहीं करा, नहीं बना। अच्छा, अब बन गया आपका राशन कार्ड, लेकिन कोरोना में मिला था राशन? जी हाँ मिला था। हाँ, क्योंकि उस समय भी हमने भिजवाया था, कोरोना में काम धंधे बंद हो गए तो राशन मिलता रहे। तो ठीक है, अभी अभी आपको परमानेंट मिलेगा। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? छह। तो छह के हिसाब से मिलेगा फिर, 5 किलो प्रति व्यक्ति, और अभी तो 10 किलो मिलेगा नवंबर तक। ठीक है, आपका परिवार खुशी रहे बस। इंदौर में कितने जुड़ने? 2.5 लाख मनीष नाम जुड़ने इंदौर जिले में। 31 अगस्त तक हो जाएगा, उससे पहले कर देंगे सर। और 1 तारीख को फिर वो कार्यक्रम, फिर अपन ऐसा करें इंदौर में एक कार्यक्रम मत करो, महू में अलग कर लो। ठीक है सर। अलग अलग विधानसभाओं में सब विधायक शुरू करवा देंगे। हाँ तो हाँ, बिसाउला जी कुछ बोल रहे हैं। मंत्री जी जी बोलिए। सर इंदौर में हाँ 2,50,136 लोगों का नाम जोड़ना है प्रति पद। हाँ हाँ, परंतु अभी तक ये 89,888 हो गए। हाँ, यानी 1,60,248 नामों को जोड़ना सबसे खराब पोजिशन इंदौर का। इनको मनीष जी, यहाँ ध्यान दें, कलेक्टर ध्यान दें, 31 के पहले पहले सारे नाम जुड़ जाए 2,50,000। सर जुड़ जाएंगे सर, संख्या वाइज सबसे ज्यादा नाम हमारे जुड़े हैं सर, संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रतिशत कम दिख रहा है सर। पर हम लोग 31 से पहले कर लेंगे सर। स्ट्रीट वेंडर वाला कुछ काम चल रहा था, वो मैंने 2-3 दिन से रोक दिया है सर, युद्ध स्तर में सब लोग लगे हैं सर। संख्या वाइज मेरे ख्याल सबसे हाईएस्ट पे होंगे हम लोग की संख्या, इंदौर सबसे ज्यादा होगा। कर लेंगे सर हम लोग 31 से पहले। ठीक है, लेकिन इंदौर में हर वार्ड में कार्यक्रम करवा डालो। हर वार्ड में कर लेंगे सर। धार जिला हाँ। बताइए धार में कौन? अमृत भाई बैठी है, आवाज नहीं आ रही, ऑन करो माइक, ऑन करो। फैज देखो जरा क्या दिक्कत है, पूछो उनसे क्या। जब धार अपना ठीक करे तब तक चलते हैं, जब तक ठीक करवाए झाबुआ चलते हैं तब तक। नमस्कार सर, प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। सुशीला पारिया और सुमा देवी जी है सर, दोनों को सुनना चाहेंगे सर। सुशीला आप बताइए। नहीं, अब झाबुआ आ गए। हाँ चलो झाबुआ पहले बात करें। आपका नाम क्या है? कहाँ की हो सुशीला? यहीं की, झाबुआ की हो या गांव की हो? झाबुआ की हूँ सर। झाबुआ की। कितने सदस्य हैं परिवार में? सर चार हैं। चार हैं। अभी तक राशन नहीं मिलता था? नहीं मिलता था सर। अच्छा, ये लॉकडाउन के बीच में हमने भिजवाया था तो मिला था क्या? मिला था सर। कोरोना के टाइम मिला था है? अब आपकी पात्रता पर्ची बन गई है, अब हर महीने आपको मिलेगा। ठीक है, बस खुश रहो आप। और झाबुआ में और कौन है? सर ये सुमा देवी नहीं आ पाई है सर, उनकी जगह जनपद सदस्य है वहीं के मालू सिंह जी सर। हाँ, वो बैठे रहेगा। क्या हाल है मालू सिंह जी? अभी चलो कोई बात नहीं। ये आपका नाम भी जुड़ गया? क्योंकि बड़ी संख्या में गरीब रह गए थे तो हमने सोचा कि अभियान चला के सबको जोड़ लें, तो अब सब गरीबों को। हाँ, साढ़े 450 सदस्य जुड़ रहे हैं।
नहीं बहुत अच्छे। देखो गरीब की जिंदगी खुशहाल बने, यही तो अपनी जिंदगी का लक्ष्य हमारी सरकार का। तो ठीक है, अब ये मिलेगा। बहन कौन सी, क्या नाम है बहन जी बैठी बगल में? ये नहीं, सुशीला से तो बात। ये नहीं नहीं, इधर जो बैठी है कमला। अच्छा अच्छा, साथ में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बधाई झाबुआ वालों को सर। ये आधार सीडिंग का काम समय पर पूरा हो जाए, पात्रता पर्ची। बड़वानी जिला। नमस्ते सर, ये सर इंद्रजीत और उसकी पत्नी बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, और सर एक रविंद्र की जगह पर सर वो उसी पात्रता पर्ची नहीं ली, तो सर ये अशोक मुखादी बैठे हुए हैं, आप बात करेंगे? अब ये देख लेना, पात्रता पर्ची नहीं निकल रही तो बाद में ऐसा ना हो कि कई की निकले नहीं, उसको कहाँ। हाँ कहाँ, वो देख लेना। बताओ इंद्रजीत बोलेंगे कि आपका क्या नाम बहन जी? संध्या सिसोदिया सर। संध्या बहन कहाँ, बड़वानी की हो और कहीं से हो? जी सर, बड़वानी। बड़वानी, अभी तक राशन नहीं मिलता था? नहीं मिला सर। कितनी बार दरखास्त दी राशन के लिए? सर दो चार बार दी थी, आवेदन दिया था, फिर बन गया। आवाज बन गई? जी सर। ठीक है, बीच में कोरोना में भी मिला था राशन की नहीं? नहीं मिला था सर। मिला था, ये मिली थी, अच्छा मिला था। अच्छा मिला था। कितने, तीन सदस्य हैं परिवार में, कितने सदस्य हैं? जी सर। ठीक है सर। तो ठीक है, अब आपको राशन 1 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। 15 किलो हर महीना, अभी नवंबर तक तो 30 किलो हर महीना मिलेगा। ठीक है, बधाई आपको। बोलो अशोक जी। नमस्कार। क्या हाल है अशोक जी, सुनाओ। हाल सर, कोरोना में तो यही हाल चल रहे हैं जो सभी के। आपके यहाँ भी फैला हुआ है कोरोना अभी? अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, क्यों थोड़ा घटा है ना अभी? कम हो गया सर, ऐसा कंट्रोल हो गया था काफी, तो 15 10 15 दिन का। बीच में तो बहुत ज्यादा हो गए थे वो सर, बीच में हम लोगों ने सैंपल काफी आरटीटी वगैरह बहुत ज्यादा ले लिए थे, तो उससे सर काफी फर्स्ट क्वार्टर ट्रेसिंग के बाद में काफी कंट्रोल ही कर लिया सर हम लोगों ने। चलिए अब कंट्रोल ही रखना है। अभी आपकी पात्रता पर्ची बन गई, हर महीने राशन शुरू हो जाएगा भैया। ठीक है, बधाई आपको। ठीक है, धन्यवाद। बधाई। अलीराजपुर। नमस्कार सर। सर हमारे साथ दुर्गा भाई है और परली भाई के सुपुत्र दीप सिंह जी है सर, आप सुनना चाहेंगे सर? दुर्गा भाई बताएं क्या हाल है। दुर्गा भाई आ जाइए, बोलिए। मिल गई तो खुश हो? खुश हो आप? अब राशन मिलेगा हर महीना? बीच में मिला था क्या, कोरोना काल में मिला था? मिला था लॉकडाउन में। चलिए अब हर महीने मिलेगी आपको। परली डावर भी हैं? हाँ, दीप सिंह क्या हाल है? आपकी पात्रता पर्ची बन गई? जी सर। ठीक है मैडम, आधार सीटिंग होगी सबकी? तो ये बाकी भी पूरा करके 1 सितंबर को कार्यक्रम करके देना है सर। ठीक, बधाई आपको सबको। खरगोन। सर नमस्ते। सर नमस्ते। 81 भाई के हस्बैंड बैठे हुए हैं सर, और राजेंद्र कौर बैठे हुए, इनको मैं ये पात्रता पर्ची देंगे सर आपके। तो बहन जी पात्रता पर्ची मिल गई आपको, अच्छा बिजली का बिल कितना आया? 1 महीने का आया या बहुत से महीने का जोड़ के आया? दो महीने का आया, 3,339 रुपए।
अच्छा उसकी जांच करवा लेंगे ठीक। जरा ये आयुष्मान में, अच्छा आयुष्मान में दूसरी चीजों का इलाज होता है ना, हॉस्पिटलाइजेशन पे। चलिए उसका भी देखते हैं कुछ। ये जो बैठे हैं सामने इनका नाम क्या है? सुखदेव। कहाँ के रहने वाले हो? बैठ के बात करो सुखदेव, कहाँ के? अच्छा अभी तक नहीं मिलता था आपको राशन? अच्छा अभी ये कोरोना के पहले कभी राशन नहीं मिला आपको? नहीं मिला सर, केवल 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। हाँ कोरोना में अपन ने 5-5 किलो ही दो लोगों को 10 किलो दिया था ना, लेकिन अब हर महीने मिलेगा आपको। ठीक है, अब सदस्य 5 हो गए सर, 2 लड़के और लड़की भी हमारे पास में है, दोनों पति पत्नी, हम 5 सदस्य हो गए। 5 सदस्य में मोल कर 20 रुपए किलो का गेहूं भर लेके खा गया हूँ। ये कलेक्टर जरा चेक करवा लेंगे अगर कोई और रह गया हो तो। सर मैं चेक कर लूं तो पात्रता बनती है, तो पात्रता पर्ची निकाल देते हैं। ठीक है, मेरा ये मकान में रह गया था सर, मेरा बाहर सामान पड़ा है, बगड़े कितने पड़ता है देखो सर, लड़की का कमरा छोटा है तो बाहर की बारिश में चीजें हो रहे हैं। अब बाकी समस्याओं की तरफ भी देखेंगे, अभी आज अनाज की बैठक कर रहे हैं तो अनाज आपको मिलेगा। ठीक है, धार लिंक हो गया सर, अगर हाँ धार 2 मिनट धार जुड़ जाए उसके बाद दो जिले में अमृत भाई जी और सुगम भाई हैं यहाँ पे, अमृत भाई और उनके वगैरह से साथ बात करेंगे। अमृत भाई बोले क्या हाल है? अच्छा अच्छा, ये तो कोरोना में मिला होगा, लॉकडाउन में वो भी भिजवाया था हमने। अब हर महीना मिलेगा। ठीक है, कितने सदस्य हैं परिवार में? चार। हाँ तो 4 के हिसाब से 5 × 20 और 20 वो मिलेगा निशुल्क वाला, तो अभी तो नवंबर तक 40 किलो मिलेगा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अरे और आज आप हमारे मामा जी और आपने हमारे मतलब मम्मी के लाइफ टाइम तक का जोड़ दिया है राशन, हमारे परिवार की ध्यान रखी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपके घर पे आया था, आपसे मिला था, रिक्वेस्ट कर रही थी और आपने हमारी सुनी, आपने बोला था कि मैं जैसे सीएम बनूंगा ऐसे तुम्हारा ये करूंगा, और आपने वो वादा रक्षाबंधन पूरा कर दिया। अच्छा तब सीएम नहीं था मैं जब मिला था, बीच वाले समय मिला था जी। नहीं था मामा जी, आपके घर पे आया था, मैं जेल गांव में। हाँ हाँ जेल में आए थे उस समय, ठीक है याद आ गया मुझे। चलो बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। सुगन भाई आपकी भी पर्ची बन गई? सुगन भाई बन गई, तो 1 सितंबर से आपको भी राशन मिलेगा, 1 सितंबर से चालू कर देंगे। ये आधार सीडिंग का काम पूरा हो जाए जल्दी, कलेक्टर को पूरा करना है। बहुत बधाई आपको जी। हाँ बोलो सुगन भाई, बोल रहा हूँ। हाँ वो बीच में कोरोना वाला मिला होगा। हाँ वो तो उस समय भिजवाया था जिनको नहीं मिलता था, काम धंधे ठप हो गए थे, अब ये परमानेंट मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। खंडवा प्रणाम प्रणाम। खंडवा बुरहानपुर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है सर? अच्छे सर। कौन कौन है सर? मेरे साथ में सर योगिता जी हैं सर, और अशोक सुगन जी के पुत्र हैं शंकर जी। अच्छा, योगिता जी से बात करवा। योगिता बेटी क्या करते हो?
नमस्ते नमस्ते। कितने सदस्य हैं घर में? चार सदस्य हैं सर। अभी तक राशन नहीं मिलता था? नहीं सर, लॉकडाउन में एक बार मिला था चौथे महीने में। हाँ, चावल मिले थे सर 20 किलो। हाँ, वो समय लॉकडाउन के कारण भेजे थे। अब ये परमानेंट मिलेगा बेटी है, तो कम से कम भोजन की चिंता से तो अपन मुक्त हो जाएंगे, और बाकी काम करेंगे तो दूसरे काम में पैसा काम में आएगा, है ना? खुश रहो बेटी, ठीक। शंकर बोलो। अब ये हो जाएगा, हर महीने मिलेगा बेटा राशन, है? क्या करते हो आप? अच्छा, स्टूडेंट हो। पिताजी क्या करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, पिताजी को भी मेरा नमस्कार कहना। बधाई, 1 सितंबर से राशन मिलेगा। सारे कलेक्टर्स ये ध्यान रखेंगे कि आधार सीडिंग का काम, पात्रता पर्ची का काम 31 अगस्त के पहले हो जाए, ताकि 1 सितंबर से राशन देना प्रारंभ कर दें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, खंडवा रहेगा? खंडवा में कौन बैठे? अच्छा अच्छा, बताइए भाई, बैठे बैठे। नमस्कार, जुड़ गया नाम आपका? जी सर। पर्ची मिल गई? जी सर। तो ठीक, ठीक है। अब हर महीने राशन नवंबर तक 15 किलो और मिलेगा, 30 किलो मिलेगा, है? और नमक भी मिलेगा 1 किलो, और वो केरोसिन 1.5 लीटर।